सीबीआई की ओर से मुंबई पुलिस के नए पुलिस कमिश्नर संजय पांडे से 6 घंटे तक पूछताछ की गई। संजय पांडे पर अनिल देशमुख केस को लेकर परमबीर सिंह को धमकाने का आरोप है। सीबीआई ने इस 6 घंटे की पूछताछ में संजय पांडे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। शुक्रवार को सीबीआई अधिकारियों ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े केस के संबंध में संजय पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया था। ये पूछताछ करीब 6 घंटे तक चली। सीबीआई सूत्रों की दी गई जानकारी के मुताबिक पांडे ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख से जुड़े मामलों में फोन पर पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ शिकायत वापस लेने को कहा था और इसके लिए उन्हें धमकाया गया। तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख के आदेश से मुंबई की पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की होमगार्ड विभाग में बदली कर दी गई थी। इसके बाद परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर पिछले साल मार्च महीने में अनिल देशमुख पर कई इल्जाम लगाए थे। इन इल्जामों में सबसे बड़ा इल्जाम मुंबई के बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए वसूलने के लिए मुंबई पुलिस अधिकारियों के इस्तेमाल करने का था, जिसके बाद से अनिल देशमुख लगातार जांच एजेंसियों की रडार पर है और फिलहाल वो आर्थर रोड जेल में है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।